हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय मनी वाइज। माय नेम इज़ निहारिका कावालिया और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ सेबी ग्रेड ए। सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2020 हैड सम स्पेसिफिकेशंस जिनके बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके डिसीजन मेकिंग में कि हाउ यू नीड टू प्रोसीड टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। So let's discuss a little facts, a few facts about the SEBI Grade A recruitment. When we talk about the SEBI Grade A recruitment, इसके अंदर at present three phases है. I've talked about it earlier as well, लेकिन इसके साथ में आज मैं और भी कई चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ. इसके सिलेक्शन प्रोसेस में फेज़ वन है, दो पेपर्स है, फेज़ टू में भी ऐसा ही है और उसके बाद इंटरव्यू है। एंड ये पेपर जो फेज़ वन है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, यू जस्ट हैव टू क्लियर इट और आपके आगे जो फर्दर मार्क्स काउंट होता है वो फेज़ टू और इंटरव्यू के होते हैं इन टर्म्स ऑफ योर क्लियरिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, ऐसा क्या है इस एग्जामिनेशन में कि मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? व्हाट इज इट दैट मेक्स एनीबॉडी हु इज अप्लाइंग फॉर सेबी ग्रेड ए इंटरेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन, ऐसा क्या है? चलो बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। सबसे पहली बात, जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसकी जो वैकेंसीज आती है, एक आती है टुवर्ड्स अ जनरल स्ट्रीम और एक आती है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स के साथ में। सो लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ इनकी जो वैकेंसीज आती हैं एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन। नंबर वन, इनमें जनरल वैकेंसीज होती हैं, देन दे हैव लीगल वैकेंसीज, उसके साथ में आईटी की होती हैं, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड द लास्ट वन इज रिसर्च। लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका एक खासियत थी दैट दे चेंज देयर इंटायर वर्किंग एंड इट वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कॉमर्स। कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ ज़्यादा रिलेटेड था जो पिछला इनका गया था। सो जब आप पिछले वाले देखते हैं उसके अंदर कॉमर्स के साथ में आपके कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकाउंट्स की तरफ या कॉमर्स बैकग्राउंड की तरफ एसोसिएटेड रही हैं। बी इट द जनरल पोर्शन और द रिसर्च पोर्शन, इन दोनों के अंदर आपको, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप इन दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल के लिए लॉयर्स ही हो सकते हैं। देन इनके अंदर आपकी जो डिग्रीज है वो आपकी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ एसोसिएटेड होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग पार्ट। बट जब हम बात करते हैं जनरल की, जनरल एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मास्टर्स इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप मास्टर्स को देखते हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, लेकिन अगर आपने लॉ किया है तो उसकी बैचलर्स वुड डू, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपकी बैचलर्स डिग्री जो इंजीनियरिंग में है दैट कैन बी डन, और साथ साथ सीए, सीएफए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी इस पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है आपकी जनरल के रिगार्डिंग, मतलब इसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री किसी में भी है या फिर आपने यहाँ पर लॉ की डिग्री की हुई है वो आपका यहाँ पे काउंट होगा, रेस्ट आपके पास मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी। दैट मीन्स अगर मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर मैं इसके जनरल के अंडर अप्लाई करना चाहती हूँ। दैट्स अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट मीन्स अगर आपने मास्टर्स किया है तो ही आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदर देन इंजीनियरिंग एंड लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हम इसकी फर्दर बात करें, अदर देन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देर आर सर्टन अदर फैक्ट्स जो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड थे जो हमें समझने ज़रूरी हो जाते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी डिस्कस करने वाली है, इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर 2 साल की प्रोबेशन पीरियड भी है। देयर इज़ अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर सर्विस और वैकेंसी। जब हम सेबी ग्रेड ए की बात करते हैं, इसकी जो पे स्केल है दैट इज हैविंग अ वॉपिंग अमाउंट ऑफ ₹1,07,000 विदाउट द अकोमोडेशन, लेकिन अगर आप अकोमोडेशन भी लेते हैं तो द सैलरी वुड बी 73,000 पर मंथ विद योर अकोमोडेशन। सो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, प्रोबेशन पीरियड प्लस आपकी सैलरी का एक वेरिएशन, जो कि इसलिए आता है बिकॉज अगर आप हाउसिंग लेते हैं उनकी तो 73,000 रह जाएगी, अदरवाइज आपकी जो सैलरी है इट वुड बी 1,07,000 पर मंथ, ठीक है। सो और क्या है
इस पर्टिकुलर जब हम एग्जामिनेशन या इस पर्टिकुलर वैकेंसी की बात करते हैं, सेवी ग्रेड ए की बात करते हैं, इसमें और ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिसके कारण ये एक पर्टिकुलर पोजीशन इज मोर और लेस मोर एस्पायरिंग, या फिर बहुत लोगों को कहीं ना कहीं एक एम्बिशन होता है कि आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस जॉब क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग यू गुड अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज. इसमें और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं अदर देन जो अमाउंट मैंने आपको बताया, इसकी सैलरी जो है सैलरी के साथ में अगर आप लेकर चले, इसके बेनिफिट्स और क्या क्या है? लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस, देन आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशनल अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट इज ऑल्सो देयर, ब्रीफ केस, कन्वेयंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस इज ऑल्सो देयर, देन स्टाफ क्लीनिंग स्कीम, स्कीम फॉर परचेसिंग द कंप्यूटर्स, मतलब अपने कंप्यूटर्स परचेज कर सकते हैं थ्रू देयर बेनिफिट्स, एंड देन सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी आपके पास रहेगी, एंड ऑल अदर बेनिफिट्स दैट आर एडमिसिबल टू एनी ऑफ द ऑफिसर ऑफ ग्रेड ए इन सेबी. साथ ही साथ ये सब बेनिफिट्स तो हैं, अगर आपको अगर वहाँ का उनका स्पेसिफिक घर की भी रिक्वायरमेंट लगती है, देन यू कैन हैव अ प्लेस दैट इज़ अकोमोडेशन भी आप इनके यहाँ के ले सकते हैं. और साथ साथ आपकी पोस्टिंग कहाँ आ सकती है वो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है जो हर कहीं किसी न किसी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कहाँ जाएगी पोस्टिंग. गुड पॉइंट है, इसकी पोस्टिंग आपकी वहाँ ही आएगी जहाँ पर सेबी ग्रेड ए के ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं. अब ऐसा नहीं है कि एक बार आपके चूज होने के बाद उसी स्ट्रीम में रहते हैं, इनकी नोटिफिकेशन में ही उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है दैट एनी बडी ऑफ एनी स्ट्रीम कैन बी पोस्टेड एनी वेयर, जो भी उनका टर्म रहता है. और ये जो पोस्टिंग है ये आपकी कहीं भी आ सकती है, लेकिन वहाँ जहाँ पर सेबी के ऑफिसेज रहेंगे. सो यू कैन गो इनटू एनी डिपार्टमेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम दैट यू हैव टेकन अप. सो उसके बेस पर आपकी पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है, बट द प्लस पॉइंट इज कि सेबी के जो ऑफिसेज हैं वो आपको डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर ही मिलेंगे. जब हमें डेवलप्ड सिटीज़ के अंदर मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही मिलेंगे, तो हमारा थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि पोस्टिंग जो आएगी वो कहाँ आएगी, वो ऐसे अच्छे सिटीज़ में ही आएगी जहाँ पर आपको और ज़्यादा ग्रोथ करने का मौका मिलेगा. दिस इज़ वेर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर जॉब. कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन यहाँ पर ये दिखती है, द काइंड ऑफ बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग. उसकी एक पोजिशन की तो बात है ही, उसके साथ साथ इसका पे स्केल भी इतना अच्छा है दैट गिव्स अनदर लेवल ऑफ बूस्टिंग की इसके लिए प्रिपेयर करना बनता है. दैट्स व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगेन अगर हम पिछली बार का देखते हैं तो पिछली बार रफली 80 जनरल के अंदर इनकी पोजीशंस आई थी. द वैकेंसीज इन टर्म्स ऑफ द जनरल स्ट्रीम वाज 80. यहाँ पर आपके पास 80 वैकेंसीज थी अगर हम जनरल स्ट्रीम की बात करते हैं, या जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो उसके पास 32 वैकेंसीज थी. नो डाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन ये जॉब कुछ ऐसी है, इसका एक यू कैन से इसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज़्यादा है दैट दिस इज वर्थ ट्राइंग. और अगर अभी आपने प्रिपरेशन नहीं शुरू किया देन यू शुड स्टार्ट राइट अवे, बिकॉज इसके एग्जामिनेशन के लिए ना आपके पास 50 मार्क्स का जो आपके पास पेपर 2 आता है, दैट इज अगेन आपका 100 मार्क्स का पेपर, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे, वो आपके सारे कॉमर्स बैकग्राउंड बेस्ड चीज़ों से होंगे. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको रिवीजन चाहिए, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको वो बिगिन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी. और क्योंकि पेपर 1 इज ऑल अबाउट ओनली द वन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जी वो सब चीज़ें आपकी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जो इसका सेकेंड एग्जामिनेशन है पेपर 2 इज ऑल MCQ बेस्ड, जहाँ पर पिछली बार दे हैड गिवन अ लिटिल ईजियर एग्जामिनेशन. जो इनका फेज 2 था इट वॉज एज पर द सिलेबस जो उन्होंने डिफाइन किया. इफ़ यू गो थ्रू दैट सिलेबस, उसमें फाइनेंस है, उसमें मैनेजमेंट है, उसमें कॉस्टिंग है, उसके अंदर अकाउंटेंसी है. उन्होंने ये सारी स्पेशलाइज्ड चीज़ों को पिकअप किया है. दैट मीन्स आप एंड मोमेंट पर आकर इनकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, बी इट अकाउंटेंसी, बी इट मैनेजमेंट, बी इट फाइनेंस, कॉस्टिंग, देन वी हैव कंपनी लॉ एंड इको. इन सब सब्जेक्ट्स की अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं देन यू नीड एक्सपर्टीज. अब वो एक्सपर्टीज आपको बिल्डअप करने के लिए समय चाहिए होगा, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मेक श्योर दैट यू आर गिविंग ऑल दीज सब्जेक्ट्स द रिक्वायर्ड टाइम, ताकि अगर पेपर आए तो आप उससे पहले उसको भरने की तैयारी कर सकें. ठीक है, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम्स हो रहे हैं दे नॉट गिविंग यू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपके पास 6-8 महीने है प्रिपरेशन के लिए, 2 या 3 महीने का समय भी नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए. सो दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस यू आर नॉट ओनली प्रिपेयर्ड बट यू आर स्ट्रेंथन अप फ्रॉम योर माइंड और
साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरी हो चुकी है कि बस अब ये पेपर देने जाना है और ये पेपर निकालना है मुझे, दैट्स व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। साथ ही साथ जब हम पर्टिकुलर इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अभी पीडिया के आपके कोर्सेज मिल जाएंगे, उन कोर्सेज की डिटेल आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल है। सेबी ग्रेड ए की आपको यूट्यूब पर हमारी प्रीवियस ईयर जो ईयर निकला है उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस आपको बहुत सारे सिलेबस डिस्कशन प्लस मेंटोरशिप और इसकी टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है हमारे पोर्टल पर। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन देन डू नॉट डीले इट, क्योंकि इसके अंदर वो एक्सपर्टीज बिल्डअप करने में अगर वैकेंसीज इतनी ही कम आएंगी तो बाद में वो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा और वो कंपटीशन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अदर पीपल आर ऑल्सो वर्किंग एज हार्ड एज यू आर देन इट्स ऑल अबाउट यू कैन नॉट लीव थिंग्स ऑन लक ना, साफ सी बात है हमें पढ़ना होगा और अब पढ़ने बैठना है तो जितनी जल्दी पढ़ने बैठेंगे उतना बेहतर हो जाता है। सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन रेगुलरली नहीं आई है बट अब कह रहे हैं कि स्लोली एंड सडनली दे माइट बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज दे नीड पीपल नाउ, दे आर एक्सपैंडिंग इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग, सो वहाँ पर उनको लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इन केस अगर ये इस ईयर के एंड तक आ जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन अप करते चले। फॉर एनी डिटेल्स रिगार्डिंग एनी कोर्स रिगार्डिंग सेबी आप कॉल कर सकते हैं 7833773651 पर और बाकी डिटेल्स आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगी रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। इसका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहता है पेपर टू के फेज टू के अंदर, जबकि बाकी इनके पास एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पढ़ाई, क्या हम समय से पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं या हम नोटिफिकेशन के आने के बाद ही देखेंगे, दैट इज द डिसीजन योर कॉल एंड यू विल हैव टू वर्क अपॉन इट द वे इट इज गोइंग टू कम। अगर नोटिफिकेशन के आते हैं बस एक डेढ़ महीना रहता है तो आपको उस एक डेढ़ महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इनकी वैकेंसीज को अगर आप कंप्लीट करने का सोच रहे देन यू नीड अ स्ट्रांग एज ओवर अदर्स, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे एंड मेक श्योर कि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। हम मिलते हैं हमारी सेबी की क्लासेस के अंदर और इन केस आपको डिटेल कोई भी चाहिए होगी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू।